राजस्व के कामों में तेजी लाने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने नई व्यवस्थाएं की है। इन व्यवस्थाओं के तहत राजस्व अधिकारियों को अनिवार्य रूप से 3 घंटे तक कार्यालय में बैठना होगा। उन्होंने तहसीलदारों को प्रोटोकॉल ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। इस बदलाव से आम जन के काम में तेजी आएगी। आपको बता दें कि राजस्व प्रकरण का निराकरण करने वाले तहसीलदार अन्य कामों में व्यस्त होने से पेंडेंसी बढ़ती जाती है, जबकि राज्य सरकार का फोकस इस बात पर है कि राजस्व कार्यों के प्रकरण अधिक लंबित ना हो। नई व्यवस्था के अंतर्गत कलेक्टर ने तहसीलदारों को प्रोटोकॉल ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। देखिए, प्रोटोकॉल ड्यूटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो VIPs आते हैं इंदौर में, उनको टाइम पे वो उनका अटेंड हो जाए, व्हीकल्स मिल जाए, या जो भी प्रोटोकॉल संबंधी जो अन्य औपचारिकता होती है हो जाए, किंतु ये कोई भी कर सकता है। इसलिए जिला स्तर में अन्य अधिकारी भी हैं। इस प्रोटोकॉल ड्यूटी में ऐसा कहीं बंधन नहीं है, केवल मजिस्ट्रेट ही लगेंगे इसमें या तहसीलदार नायब तहसीलदार ही लगेंगे। जिला स्तर के सभी अधिकारी लगाए जा सकते हैं इसमें, इसलिए अन्य लोगों की लगाई गई है। आम जनता का काम होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज जितने भी रेवेन्यू केसेस आते हैं उसमें 99% ऐसे लोग हैं जो अगर उनको 2-3 बार आना पड़े तो तकलीफ होती है उनको, या कहीं बहुत दूर से आते हैं वो, या एक बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो उनका निराकरण होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इनकी प्रोटोकॉल ड्यूटी हटाई है। अब उसमें मान लीजिए किसी तहसीलदार को एयरपोर्ट जाना है तो भले वहाँ 1 घंटे आधे घंटे का काम हो, पर उसका 3-4 घंटे का समय ख़राब होता है उसमें आने जाने में सब में। और इसी बहाने कई बार कई कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो उसमें लापरवाही भी कर जाते हैं, इसलिए ड्यूटी हटाई गई है इनकी। अब इनको उससे 10:30 से लेकर के रात में जब तक की काम पेंडिंग है तब तक जनता के केसेस जो हैं, रेवेन्यू केसेस हैं, वकीलों का आना है, कुछ फाइलों में औपचारिकता है, आम जनता आ रही है उससे मिलके औपचारिकता की पूर्ति करानी है, तो प्रॉपर नियंत्रण भी कर सकेंगे। कोई भी पीठासीन अधिकारी अथवा तहसीलदार नायब कोर्ट में पीठासीन अधिकारी का ही से होना चाहिए, उसके रीडर का या उसके कंप्यूटर ऑपरेटर का से नहीं होना चाहिए। ये भी स्पष्ट किया गया है तहसीलदारों नायब तहसीलदारों को कि कोई भी व्यक्ति आता है तो सीधे वो व्यक्ति जो भी आम जन आ रहा है उस खुद समस्या सुने उसकी क्या है, उसको सॉल्यूशन दें क्या है, उसमें रीडर पर डिपेंड। रीडर केवल रिस्पॉन्सिबल है पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के तहत काम करने के लिए, रीडर गाइड नहीं कर सकता आम जनता को। इस बदलाव के साथ ही इसका असर भी देखने को मिल रहा है, राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण हो रहा है। देखिए, अभी फीडबैक तो मैं देखता रहता हूँ, जो जाता हूँ मैं, तो ये फीडबैक है जो मैं देख रहा हूँ केसेस में RCMS पोर्टल पे कि केसेस का निराकरण तो हो रहा है और धीरे धीरे गति भी आएगी इसमें, जैसे जैसे आदत में आएगा लोगों के। कहीं पर बोर्ड कम थे, केसेस ज़्यादा थे, एक अधिकारी बहुत सारे केसेस थे, तो इस तरह के फीडबैक लेके हमारे पार्ट पे, सरकारी सिस्टम के पार्ट पे कैसे और स्मूथन किया जा सकता है और कैसे आम जनता का हमारे रेवेन्यू कोड रेवेन्यू में कम से कम इंटरफेस रहे। अगर कोई बंटवारे का नामांतरण का आदेश लगाता है तो उसकी व्यवस्था भी हम लोग बना रहे हैं, उसका आदेश भी कर रहे हैं कि उसमें पीठासीन अधिकारी ही सब अद्यतन दस्तावेज हैं, रीड रीड पुस्तिका है, वही है आदेश है उसका, पीठासीन अधिकारी स्वयं मुहैया कराएगा आवेदक को। इसमें आवेदक को पटवारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है या नकल शाखा में जाके नकल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे वो सर्टिफाइड कॉपी उसको देगा पीठासीन अधिकारी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम जो फीडबैक ले रहे हैं हमारे तंत्र का फीडबैक ले रहे हैं, और अगर हमारा तंत्र ठीक से काम करेगा तो डेफिनेटली पब्लिक का अगर केसेस डिस्पोजल होगा तो पब्लिक की संतुष्टि होगी। बैठे हैं हम लोग इसीलिए आम जनता के लिए। दरअसल कलेक्टर आम जनता के काम में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। MP News के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।